Dear children, I am Anita Madam, going to teach Standard 8 Optional Hindi Grammar, Chapter 13, क्रिया यानी कि भाग। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं, अर्थात ऑल डूइंग वर्ब्स आर कॉल्ड द भार, यानी कि जो भी हम किसी भी क्षेत्र में जो काम करते हैं उसे हम भार कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। अंकिता, यहाँ पे हम देखते हैं, विस्तार रूप से मैं पढ़ाती हूँ। अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ मॉल घूमने गई। उसने दुकान से कुछ खिलौना खरीदे, फिर आइसक्रीम और चाट पकौड़ी खाई, कुछ खेल भी खेले। चाट पकौड़ी खाकर और खेल खेल कर अंकिता बहुत प्रसन्न थी। इसके बाद वे घर लौट आए। आप अभी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लाल रंग में, यानी कि जो लाल रंग में लिखा गया है, घूमने गई, खरीदे, खेले, खाकर, खेलकर, थी, लौट आए, खाई, ये सब क्या है, हमें क्रिया शब्द कहते हैं। क्योंकि जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, जो तो वाक्य अपूर्ण हो रही है। अगर वाक्य क्रिया के बगैर किसी भी वाक्य को हम अपूर्ण कहते हैं, ये कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करता। जब क्रिया को हम किसी वाक्य में क्रिया को जोड़ देते हैं तो ये वाक्य पूर्णता लाभ करता है। अतः क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन होता है। विकारी का मतलब परिवर्तन, जो लिंग हो, वचन हो या काल के कारण जब परिवर्तन हो जाए, इसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। देखिए, लिंग के कारण देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। यहाँ पे लड़का मेल पर्सन है, यानी कि ये पुरुषवाचक है, तो पढ़ रहा है क्रिया बन गया, पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है, ये क्रिया है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, तो ये पढ़ रही है। लड़कों ने गाने गाए, वचन के आधार पर। मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्रिया के बगैर कोई भी वाक्य पूर्णता प्राप्त नहीं करता। यहाँ पे हम देखते हैं मोहित बाजार, बाजार क्या, अर्थात मोहित बाजार, ये असंपूर्ण वाक्य हमें दिखलाता है और क्रिया के अभाव से यहाँ पे यह अपूर्ण रह गया। जबकि मोहित बाजार गया, अगर हम गया जोड़ देंगे, एक संपूर्ण वाक्य हो जाएगा और किसी को भी समझने भी आसान हो जाएगा। तो अवश्य हमें हर वाक्य में एक क्रिया शब्द जोड़नी चाहिए, ताकि उस वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए। कुछ क्रिया स्वयं घटित होती है तो कुछ क्रियाएं ही की जाती है। अचानक वर्षा होने लगी, स्वयं घटित होने लगा। सीमा ने छाता खरीदा, यहाँ पे किसी के जरिए कार्य किया जाता है, जैसे सीमा के जरिए कार्य किया जाता है। और अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पे अपने आप ये कार्य होने लगा, अर्थात ये स्वयं कार्य होता है और यहाँ पे किसी ने करता है। कुछ क्रिया एक शब्द की होती है तो कुछ क्रिया एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे देखते हैं, राहुल बाजार गया, एक ही शब्द है गया। राहुल बाजार चला गया है, चला गया है, यहाँ पे कितने ना एक से अधिक शब्दों से क्रिया बनता है। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है, अर्थात हम जब हिंदी वाक्यों को देखेंगे, हिंदी भाषा को, तो वाक्य के अंत में ही हमें हमेशा क्रियापद को पाया जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। मैं माँ के लिए चाय बना दो, अर्थात बना फिर दो, ये दो ही क्रिया है यहाँ पे एक क्रिया। रीमा पुस्तक पढ़कर सो गई, पुस्तक पढ़कर सो गई, यहाँ पे दो क्रिया आ जाते हैं। तो धातु, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और उदाहरण सुन, सुन को सुनाना, पढ़ पढ़ना, बढ़ बढ़ना आदि, जैसे इसे अना जोड़कर या हमें प्रत्यय रूप जोड़कर इसे हम बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, लेकिन क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरण देखिए, जैसे पढ़ पढ़ना, रानी पुस्तक पढ़ रही है, हंस हंसना, तुम क्यों हंस रही हो, लिख लिखना, नीति ने पत्र लिखा, हंसी सीखना, मैं संगीत सीखती हूँ, गिन गिनना, कक्षा में कक्षा के बच्चे गिन लो, कर करना, माँ काम कर रही है, गा गाना, कौन गाना गा रहा है। क्रिया के कितने भेद अभी देखेंगे। क्रिया के मूल रूप से दो ही भेद पाया जाता है, एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। जी, अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में हम कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को देखते नहीं या ऑब्जेक्ट को पाया नहीं मिलता नहीं, उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म के ऊपर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई
कर्म नहीं होता उस वाक्य को हम अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे बच्चे हंस रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि कोई कर्म नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है यानी कि नाम संज्ञा, यानी कि यहाँ पे संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द। बच्चे हंस रहे हैं, तान्या सो रही है, तान्या और संज्ञा शब्द, सो रही है क्रिया शब्द, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। सवेरे जल्दी उठा करो, शिवम तेज भागता है, इन वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अर्थात ये इस कर्म यहाँ पे कर्म नहीं है, अतः ये अकर्म क्रिया कहलाते हैं। अकर्म क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किससे लगाकर ही प्रश्न किया जाता है। कुछ अकर्म क्रिया है उठना, बैठना, रोना, जागना, आना जाना, हंसना, रोना आदि, ऐसे ही अकर्म क्रिया होते हैं। देन हम चलते हैं सकर्म क्रिया के प्रति। जिस क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिस वाक्य में हम क्रिया को देखते हैं या क्रिया हमें पाया जाता है, उसे हम सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे रानी ने काम कर लिया है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर क्या चला रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल क्या उड़ा रहा है ना, पतंग उड़ा रहा है, अर्थात पतंग यहाँ पे सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, इसे हम कर्म बोलते हैं। साखी केला खाती है, साखी क्या खाती है ना, केला खाती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एककर्मक क्रिया और अधिकर्मक क्रिया। एककर्मक क्रिया में जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है, उसे एककर्मक क्रिया बोलते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार एक ही कर्म है यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, सो ये एककर्मक। मजदूर पुल बना रहे हैं, एक ही पुल है, एक ही ऑब्जेक्ट। कामिनी खाना खा रही है, पेड़ से फल तोड़ लो, ये सब एककर्मक होने के नाते इसे एककर्मक क्रिया बोलते हैं। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो ही कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। पौधों को पानी यानी कि पौधा एक कर्म है, पानी दूसरा कर्म है, तो यहाँ पे दो ही कर्म दिखने को मिलता है। रोगी नर्स रोगी को दवा पिला रही है, रोगी एक कर्म है, दवा एक कर्म है, अर्थात दो कर्म पाया जाता है। सकर्म क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर ही प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिले तो क्या सकर्मक होती है, यदि उत्तर ना मिले क्रिया का अकर्मक कहते हैं। उदाहरण, चैतन्य सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। क्या सो रहा है, कुछ नहीं, अर्थात ये अकर्मक। विशाल पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है ना, पतंग उड़ा रहा है, सो सकर्मक। माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, ये क्या सुना रही है ना, लोरी, सो सकर्मक। किसको सुना रही है ना, बच्चों को, अर्थात ये द्विकर्मक हो जाता है। मूल धातु से अकर्मक तथा सकर्मक क्या के शब्द बनाना। उड़ का उड़ना उड़ाना, ऊट उठना उठाना, चल चलना चलाना, कट कटना काटना आदि ये अकर्मक, ये सकर्मक होते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रार्थक क्रिया, प्रार्थक क्रिया तथा हमारा आता है पूर्वकालिक क्रिया। प्रयोग संरचना के सामान्य क्रिया को हम अभी विस्तार करेंगे। जब क्रिया एक पद में हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माला बाजार गई, यह आम का पेड़ है, इस क्रिया का एक ही पद है, अतः इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, रूपम नाच रही है, इन वाक्य में बना रहा है और नाच रही है संयुक्त क्रिया होते हैं। बना रहा है, बना एक क्रिया है, रहा है दूसरा क्रिया है, यहाँ पे दो ही क्रिया, बना रहा है, नाच रही है, नाच और एक क्रिया है, रही एक क्रिया है, तीन, सो यहाँ पे क्रिया तीन क्रियाओं बना रहना और होना से मिलकर बनी है। जबकि नाच रही है क्रिया नाचना रहना तो तथा होना क्रिया से मिलकर बनी है, इसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया है तथा दूसरी क्रिया गौण है, अर्थात ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, नहीं यहाँ पे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, ये मुख्य बनाना उसका उद्देश्य था, रहा है ये सहायक है, उसे इसे कम्प्लीट वाक्य को कम्प्लीट करने के लिए ही रहा है संयोग किया गया, तो ये सहायक क्रिया बन गया, ये मुख्य क्रिया बनाना मुख्य क्रिया बना। रूपम नाच रही है, नाचना उसका उद्देश्य था, अतः ये नाच उसका मुख्य क्रिया बनता है।
रही है, मतलब यहाँ पे सहायक क्रिया बन गया। देन हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, किराएदार ने मकान मालिक का घर हथिया लिया, मैंने अपनी कमीज रंगवाई, इसे हम बोलते हैं हथिया और रंगवाई, ये दोनों ही नाम धातु क्रिया होते हैं। कुछ नाम धातु क्रिया इस प्रकार होते हैं, रंग रंगवाना, लज्जा लज्जाना, आलस अलसाना, झूठ झुटलाना, चक्कर चक्राना, फिल्म फिल्माना, खर्च खर्चाना, टक्कर टकराना, शर्म शर्माना आदि, ये सब होते हैं नाम धातु क्रिया। सर्वनाम से भी नाम धातु क्रिया बनते, जैसे अपना अपनाना, मैं मिमियाना आदि, ये सब होता है सर्वनाम से। विशेषण से भी नाम धातु क्रिया होते, गर्म गर्माना, सठ सठियाना, लंगड़ा लंगड़ाना, दोहरा दोहराना आदि होता है। अभी हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के जरिए या किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, अर्थात माँ स्वयं यहाँ पे कपड़ा नहीं धोती है, किसके जरिए धुलवाती है ना, धोबी के जरिए, अतः ये बना प्रेरणार्थक क्रिया। अगर माँ अगर धोबी को ना बोलते तो क्या धोबी अपने आप धो लेते हैं कपड़ा, नहीं। अतः इसे धोबी को काम करने के लिए प्रेरित कौन किया, न माँ, अतः ये वाक्य बना प्रेरणार्थक क्रिया। प्रिया तोते को अमृत खिलाती है, तो यहाँ पे होता है क्या, प्रेरणार्थक क्रिया को दो भेद होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया का साथ आ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, पढ़ पढ़ा पढ़ाया, लिख लिखाया, सो सुलाया। तो द्वितीय प्रेरणार्थक में इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ जाता है, जैसे पढ़ पढ़वा पढ़वाया, वा जोड़ता लिख, वा जोड़ वा लिखवाया, यहाँ पे लिखाया, यहाँ पे लिखवाया, बन वा बनवाया, सामान्य दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, बैठना बैठम बिठाना बिठवाना, बनना बनाना बनवाना, लड़ना लड़ाना लड़वाना, पीना पिलाना पिलवाना, देखना दिखना दिखाना दिखवाना, कटना कटाना कटवाना आदि, सब द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसे सब कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। अभी हम पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा जाता है। जैसे देखिए, बच्चा रो कर सो गया, अर्थात रो कर, यहाँ पे कर जुड़ा गया है, तो ये सो गया एक क्रिया है, रो कर, ये इसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि एक क्रिया से पहले ये क्रिया संपादित हो चुका है। रानी पढ़कर खेलने गई, अर्थात ये देखो कर जोड़ा गया, पढ़कर यानी कि एक क्रिया को संपादन करने के बाद ही दूसरे का क्रिया करने के लिए चली गई। इन वाक्य में रोकर और पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले घटित हुई है, अर्थात ये जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुका है, सो गया सोने से पहले वो रो चुका है, उस तरह ये खेलने से पहले वो पढ़ चुका है, अर्थात यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देन हम चलेंगे काल, काल यानी कि समय यानी कि टेंस। बच्चों, क्रिया तथा उसके भेदों के विषय में हम जान ही चुके हैं, कुछ क्रियाएं घट चुकी होती है तो कुछ क्रियाएं वर्तमान समय में होती है और कुछ क्रियाएं भविष्य में घटित होने वाली है, तो उसे हम इसे देखते हैं, हम तीन भाग में काल को तीन भाग में विभाजित करते हैं। देखिए, उदाहरण, रेणु ने पुरस्कार जीता, अपर्णा चित्र बना रही है, ऋतु बाजार जाएगी, यहाँ पे जीता यानी कि पास्ट टेंस, अपर्णा चित्र बना रही है अर्थात ये कंटिन्यूअस में है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान काल, ऋतु बाजार जाएगी अर्थात ये भविष्य में यानी कि करेगी यानी कि फ्यूचर टेंस यानी कि जाएगी, सो ये यहाँ पे इसे बोलते हैं भविष्य काल। इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हुई है, पहले वाक्य में जीता क्रिया घट चुकी है, ऑलरेडी काम हो चुका है, सो बना रही है, अभी बनाती है, ये वर्तमान काल, तथा तीसरे वाक्य में जाएगी क्रिया भविष्य में होगी। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया किसे काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का समय का बोध हो अर्थात उसे पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या हो चुकी है या होगी, उसे ही काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आंसर आप लोग लिख देंगे। काल के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। अभी हम पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं।
जैसे उदाहरण देखिए, दादाजी सैर करने गए थे, मैंने निबंध लिख लिया, भूतकाल के ही छब ये होते हैं, ये काम ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, सो इसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के छह भेद माने जाते हैं, एक है सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। पहले पढ़ेंगे सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे रानी ने चित्र बनाया, सुधा सो गई, अपूर्वा ने गीत सुनाया, ये अपूर्ण सामान्य रूप से भूत कहते हैं। आसन भूत में आसन अर्थात निकट, पास, जब बहुत निकट से ये काम कम्प्लीट हुआ है, जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे हम बोलते हैं आसन भूत कहते हैं। उदाहरण, नीरा ने पार पढ़ लिया है, सब्जी वाला अभी अभी गया है, रोमित आइसक्रीम लेकर आया गया, अर्थात अभी अभी ये काम संपादित हो रहा है, इसे आप बोलते हैं आसन्न भूत। अभी पढ़ेंगे अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का तो बोध होता है, पर ये ज्ञात नहीं होता कि क्रिया कब समाप्त हुई अथवा नहीं हुई, इसीलिए इसे अपूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण देखिए, लोग समाचार सुन रहे थे, अर्थात अभी हम जब आए उसे सुन देख कर आए कि लोग समाचार सुन रहे थे, अभी कम्प्लीट हो गया होगा या नहीं हो हमें पता नहीं, सो इसे इसलिए बोलते हैं अपूर्ण भूत। राकेश टेलीफोन पर बात कर रहा था, कब से काम स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं जब देखा कि वो कर रहा था टेलीफोन पर, तो ये अभी तक मैं भी चलता होगा, इसलिए बोलते हैं अपूर्ण भूत। नेताजी भाषण दे रहे थे, पिताजी टीवी देख रहे थे, अर्थात ये काम अभी तक शायद संपूर्ण नहीं हुआ हो, इसीलिए बोलते हैं अपूर्ण भूत। अभी पढ़ेंगे पूर्ण भूत, यानी कि कम्प्लीट हो चुका, टोटली कम्प्लीट हो चुका। जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, महिमा खाना बना चुकी थी, अरे ये काम ऑलरेडी कम्प्लीट है, बारिश थम चुकी थी, बस स्टैंड में निकल चुकी थी, मैंने काम पूरा कर लिया था, यानी कि काम ऑलरेडी कम्प्लीट है, सो इसे बोलते हैं पूर्ण भूत। अभी संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत में डाउट यानी कि संदेह, क्रिया के जिस रूप से कार्य पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, मैं भी मैनर भी, सो इसे बोलते हैं संदिग्ध भूत। देवांश टेनिस खेलने चला गया होगा, मैं भी गया होगा, मैं भी नहीं गया होगा, सो लेकिन वो अंदाजा लगाकर संदेह करके बोलते हैं कि चला गया होगा। बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, उसी तरह ये भी डाउट। चुनाव का नतीजा आ चुका होगा, शायद ये परिणाम निकल चुका होगा, अर्थात इसे हम जहाँ पे डाउट रखकर कुछ पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में बोलते हैं तो उसे बोलते हैं संदिग्ध भूत। अभी बोलेंगे हेतु हेतुमत भूत। जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे बोलते हैं हेतु हेतुमत भूत, अर्थात यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। सो यहाँ पे कंडीशन होता है, अगर बारिश ठीक ठाक होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता, यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। यहाँ पे एक कंडीशन हो जाता है, अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, अर्थात ये इस काम के ऊपर ये काम डिपेंड करता है, अतः इसे बोलते हैं हेतु भूत। ना हम पढ़ेंगे वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी वो काम हो रहा है, गीतिका बैडमिंटन खेल रही है अर्थात अभी खेल रही है, माली पौधा लगा रहा है अर्थात अभी कंटिन्यूस में, सो इसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, जैसे सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्रिया जो उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। गाड़ी चल रही है, प्रियंका पत्र लिख रही है, वर्षा होती है, गायत्री टेनिस खेल रही है, इसे बोलते हैं सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है अर्थात पढ़ा रही है, और माँ आराम कर रही है, कल्पना फोन पर बात कर रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस में सो ये भी अपूर्ण वर्तमान। अभी पढ़ेंगे संदिग्ध यानी कि डाउट। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में संघटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। राजू सो रहा होगा, मैं भी सोता होगा, मैं भी नहीं, तो यहाँ पे डाउट बढ़ गया, सो उसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। प्रदर्शनी चल रही होगी या बच्चे पढ़ रहे होंगे, रीता गाने का अभ्यास कर रही होगी, तो इसे हम बोलते हैं वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। अभी हम पढ़ेंगे भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस।
क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने का बोध हो उसे बोलते हैं भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस। हम मनाली घूमने जाएंगे, पुजारी मंदिर में घंटा बजाएगा। सो भविष्य काल के दो भेद पाए जाते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य में जो क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराता हो उसे हम बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। जैसे उदाहरण, कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, माँ केक बनाएंगी, क्रिकेट मैच कलकत्ता में होगा। तो ये सब होता है सामान्य भविष्य काल। अभी हम देखेंगे संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो, अर्थात हमें 80% या 90% होने का संभावना हो उसे हम बोलते हैं संभाव्य भविष्य काल। शायद हम मैच जीत जाएं, 80% पॉसिबिलिटी है हम जीत जाएंगे। संभव है कि वर्षा हो, शायद हम पिकनिक जाएंगे, शायद यहाँ पे शायद अर्थात 80% 90% लग रहा है कि हम पिकनिक जाएंगे। शायद मेरी लॉटरी निकल जाए, अर्थात जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं या 80% 90% हमें भरोसा रहता है कि हाँ ये काम हो सकता है, तो हम उसे बोलते हैं संभाव्य भविष्य काल। आशा करती हूँ ये सब आप लोग क्रिया और काल ये सब विस्तार से पढ़ा दी हूँ, शायद समझ हमें आ गई होगी। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कक्षा में हम और दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन